सो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग सोच रहे हैं एक ये व्लॉग देखने के बाद कि हम पढ़ाई के लिए एफसी ज्वाइन करेंगे, तो एफसी में पढ़ाई होती है लेकिन सिर्फ स्टैंड अप तक। उसके बाद सिलेबस का बोझ आप पे उतार दिया जाता है और सिलेबस आपके मुंह पे चपेटों की तरह मार दिया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है सुलेमान और आप लोग देख रहे हैं सॉल मैन व्लॉग्स। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे जान सुबह सुबह किधर, और वो भी यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो आप साहब मेरे साथ मौजूद हैं। यार टुडे आई एम गोना शो यू माय कॉलेज रूटीन और आई लेट यू नो दैट इस एफसी कॉलेज इज अ राइट ऑप्शन और नॉट। अच्छा तो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अभी क्या टाइम हो रहा है आप साहब? 8 बजने वाले हैं और अपनी फर्स्ट क्लास है। कौन सी क्लास है? पहली पार्क स्टडीज की पहली क्लास है। तो पहली क्लास के बाद आपको मिलते हैं। तो यार शुरू करते हैं यहाँ से। ये कॉलेज की मेन ग्राउंड भाईजान, आप लोग देख सकते हैं भरपूर बड़ी ग्राउंड है। यहाँ पे अक्सर बच्चे आके स्पोर्ट्स खेलते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पे जाके बास्केटबॉल खेलते हैं, कुछ यहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं। बहुत ही बड़ी ग्राउंड है और यार एफसी में ग्राउंड के अलावा है ही कुछ नहीं। चल झूठा। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्लास जो है केमिस्ट्री की सी ब्लॉक में। सो यार अभी केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, ये हमारी थर्ड क्लास। ये सी ब्लॉक का वॉशरूम है जहाँ पे मैं इस व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको बहुत सारे व्लॉग स्नैप्स बनाते हुए मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको व्लॉग बनाता मिल रहा हूँ। और ये है मेरा क्लास फेलो। तो फारिस साहब, अगर मैं आपसे पूछूँ कि एफसीसी में आना का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और एफसी में आना चाहिए या नहीं, रिकमेंडेबल है इन्हें अपने जो एक्सपीरियंस में गाइड करें। बस नॉर्मल इंजॉय करना तो एफसी हो, ऐसा ही है। सही बात, पढ़ना है तो पंजाबी जी ही चले जाओ। ये भी सही क्या है, बहुत अच्छी बात की है यार उसने। तो अभी मेरी तीसरी क्लास चल रही है केमिस्ट्री की सी ब्लॉक में। तो क्लासेस एंड होने के बाद यार एक बार आपको मिलते हैं, फिर सारे शॉर्ट्स भी आपको दिखाते हैं, फिर सारे आपको पॉइंट ऑफ व्यूज भी शेयर करते हैं और इज लाइफ वर्थ इन एफसीसी इस टॉपिक पे भी बात करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। यार बस क्या बताएं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। एफसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अब भाई नहीं आना चाहिए। बट साहब को बहुत तंग किया है, बट साहब को फाइन भी पड़ा है, बट साहब को फाइन पड़ा है। बस यार मैं ब्लॉग बनाते बनाते बाहर जा रहा था, मुझे बेल्ट में फाइन पड़ गया भाई। ब्लैक बेल्ट होती है, कभी आपकी शर्ट हो जाती है। वाह भाई, ब्लैक बेल्ट अलाउड है, मेरी ब्राउन बेल्ट थी तो सर जैसे उन्होंने मुझे फाइन कर दिया। लेकिन मैं भाईजान रिक्वेस्ट करके आया हूं, कभी आप ब्लॉगर्स में आना तो कभी आप भाई अपने कॉलेज है, टेंशन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करके आया हूं तो उन्होंने बोला जी आपका फाइन वेव हो जाएगा, लेकिन आपकी कल बेल्ट चेंज होनी चाहिए। मेरी बेल्ट तो ब्राउन थी, ब्लैक बेल्ट होती है यहां पे। सो यार दिस कॉल्ड ए ब्लॉक। यहां पे ऑब्वियसली कंप्यूटर की क्लासेस होती हैं ए ब्लॉक में, पर फिर भी मैं आपको ये कवर करने आ रहा हूँ बिकॉज मेरा कंप्यूटर सब्जेक्ट है नहीं। सीमी तजमल बिल्डिंग इसे कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड पी ब्लॉक एंट्रेंस। और यार दिस इज़ कॉल्ड बायोलॉजी ब्लॉक, बी ब्लॉक।
शीरी जवेद बिल्डिंग। हर बिल्डिंग का अपना अपना कोई नाम है। यहाँ पे अब अपनी है इंग्लिश की क्लास। यहाँ सीढ़ियाँ बहुत है यार, बहुत सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे। मुनीर भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा यार ये बताएं, इस लाइफ बर्थ इन एफसीसी, एफसी आना चाहिए या नहीं? और ये बकवास है। बकवास है। और इरतदार ब्रो आप ही बता दो यार। मैंने ब्लॉग में ये कंसेंट के बगैर आ रहे हूँ ब्लॉग में। नहीं नहीं मैं कंसेंट आपको बता रहा हूँ ना कि इस लाइफ बर्थ सेविंग इन एफसीसी। नहीं एफसी रिकमेंडेबल है कि नहीं? नहीं अय्याशी करनी है तो आ जाओ, लेकिन अय्याशी करनी आनी चाहिए। तो हंगला भाई इस लाइफ बर्थ लिविंग इन एफसीसी, एफसी रिकमेंडेबल है या नहीं? यार मैं तो आपको एफसी रिकमेंड करूँगा। ठीक है सही है। आप यहाँ आएंगे, यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है। ठीक है और एफसीसी इज वर्थ स्टडीइंग। ओके सही बात। थैंक यू। वाकबाद अल्लाह का शुक्र है सारी क्लासेस ले ली हैं भाई जान। और इसी के साथ मौसम भी बहुत खूबसूरत हो चुका है। तो यार थोड़े से और एक दो काम है एंड ब्लॉक वाली साइड पे, वो करें या चलें घर को यार? क्या कहते हैं फिर साथ? आपको भी साथ ले चलते हैं, छोड़ देते हैं आपको भी वापसी। ओके सर। हाय हाय हाय। तो यार दिस इज़ कॉल्ड द एंड ब्लॉक बिल्डिंग। यहाँ पे सारे एडमिन के काम होते हैं और यहीं पे हमें भी काम है एक छोटा सा, वो करते हैं फिर चलें आगे। क्या खूबसूरत बिल्डिंग है यार ये सारी। एंड ब्लॉक बिल्डिंग कहते हैं इसे, अहमद सईद बिल्डिंग। यार व्हाट आई कैन से, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ऑफ एफसीसी। इसको यूनिवर्सिटी ग्राउंड बोलते हैं। यहाँ पे आना हमारा अलाउ तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम आ जाते हैं आपके लिए व्लॉग बनाने के लिए। यहाँ आने पे फाइन है। वो सामने जो बिल्डिंग है वो आर्मावास बिल्डिंग है, उसके साथ जो बिल्डिंग है वो लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट हो रही है नहीं, तो हम इससे आगे तो नहीं ज़्यादा जा सकते, लेकिन कभी कभी चले जाते हैं भाई। लेकिन यहाँ आने पे बेसिकली फ़ाइन होता है, कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड द स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। अब यहाँ जाके देखते हैं अंदर। तो यार टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप लोग सोच रहे हैं एक ये व्लॉग देखने के बाद कि हम पढ़ाई के लिए एफसी ज्वाइन करेंगे, तो एफसी में पढ़ाई होती है लेकिन सिर्फ स्टैंडअप तक। उसके बाद सिलेबस का बोझ आप पे उतार दिया जाता है और सिलेबस आपके मुंह पे चपेटों की तरह मार दिया जाता है। लेकिन आफ्टर ऑल कोई बात नहीं, हमने किया सर्वाइव सारा सिलेबस खुद कंप्लीट करके। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी है, ग्रूमिंग एनवायरमेंट देखना है, तो एफसी द बेस्ट कॉलेज। लेकिन अगर आपने पढ़ना है सही मायने में, तो आप फिर पंजाब कॉलेज जा सकते हैं, GCU ज्वाइन कर लें। उसके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, मैं भी आपको बताऊँ ये वो। तो मुझे जो एफसी के बारे थी सजेशन मैंने आपको बता दी। तो यार ही इज़ अहमद रियाज भट्टी साहब। भट्टी साहब आप कुछ बताएँ कि इज़ लाइफ बर्थिंग इन एफसीसी, और एफसीसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप क्या रिकमेंड करते हैं देखने वालों को? यार देखो पहली मेरी बात ये तो सुनो, खुलेगा तो आएंगे ना? ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। ये पट्टी साहब ने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पे कोई मैच हो भाई कॉलेज बंद, कुछ भी हो कॉलेज बंद। कोविड आया, संडे को मैच आ रहा है वो बंद हो जाना कॉलेज। अब आगे मैचेस आ रहे हैं इंग्लैंड के, तो भाई कॉलेज बंद। ये हुबल बतनी है हमारे कॉलेज वालों की क्रिकेट टीम से, मैं सही बता रहा हूँ भाई जान। पूरे पिछले ईयर हमारा कॉलेज कोविड में, ऑस्ट्रेलिया टूर, PSL कॉलेज बंद रहा, ऑनलाइन क्लासेस सारा पढ़ाया गया है। तो यार मैंने आपको फिर बता रहा हूँ भाई, बात ग्रूमिंग एनवायरमेंट देखना, अगर कॉलेज लाइफ इंजॉय करनी है फिर एफसी इज़ द बेस्ट कॉलेज। तो यही है, आप क्लासेस अपनी मर्जी से ले सकते हैं, अटेंडेंस का ही सीन है। लेकिन एंड पे एक अच्छा सा 18,000 का फाइन आपको ठोक देते हैं। अटेंडेंस आप अटेंडेंस 75% से कम हो तो आपको 18,000 का फाइन भी वो कर देते हैं, कीप इन माइंड। लेकिन अटेंडेंस का वैसे क्लासेस का ही सीन है कि आप क्लासेस छोड़ सकते हैं, लेकिन वो एंड पे आपको फाइन कर देंगे। अगर आपके पास कोई बहाना है, अगर जुगाड़ लगा सकते हैं तो फिर जुगाड़ भी चल जाते हैं। कई बच्चों के चल भी जाते हैं, कईयों के नहीं चलते बेचारों के। बाबा जी आज हम अपने व्यूअर्स को दिखाने लगे हैं लाइफ एट एफसीसी, और एफसी कॉलेज कैसा कॉलेज है सब आज व्लॉग में बताएंगे। एफसी ना अभी हो। देखो ये बाबे ने तो ये कहा भाई, बाबे के ये बाबा जी वैसे मुझे बताओ कि एफसी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मैं तो कह रहा नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए जे तुम मरना चाहते हो। अच्छा ना कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? तो यार यहाँ होगी अपनी स्पोर्ट्स की क्लास। गर्मी स्विमिंग पूल अरूज पे है, यहाँ कुछ बच्चे बैडमिंटन खेल लेंगे, कुछ वॉलीबॉल खेल लेंगे, और कईयों को दिल कर रहा होगा तो वहाँ जाके बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। एक और कोर्ट है, सारे बच्चे वहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और वहाँ अपने स्पोर्ट्स के सारे, अब देखो क्या खिलाते हैं आज। तुम ये सोचो जरा क्यों
तो यहाँ पे कॉलेज से निकलने के बाद हम जा रहे हैं कुछ खाना शाना खाने, और दाइम अब मेरे साथ आगे मिला क्योंकि दाइम साहब बिजी थे सारा दिन आज क्लासेस लेने में अपनी। वाह, तो शुरू से मेरे साथ है, वाह मेरे सेक्शन में पढ़ता है, और दानिश भी मिल गया था और दाइम अभी हमें मिला। जी दाइम साहब, अब आपसे मैं पॉइंट ऑफ व्यूज आपके जानना चाहूँगा कि एफ सी रिकमेंडेबल है कि नहीं, और एफ सी आना चाहिए या नहीं, देखने वाले लोगों को आपके काम देंगे आप? आई थिंक सो एफ सी एक रिकमेंडेबल ऑप्शन है क्योंकि ना इसमें ये बाकी पागल और में कोई आई थिंक सो ऐसा कोई वो कॉलेज नहीं है जो मतलब हमारे लिहाज से सही हो, क्योंकि जी सी है उसका मेरिट बहुत ज़्यादा हाई होता है। पंजाब कॉलेज का सबको पता है कि वो अ टाइप ऑफ जेल है, तो उसमें आपको सुबह सुबह जाना पड़ता है और 2-7 बजे जाना पड़ता है और 2 बजे आना होता है, और टाइप ऑफ स्कूल है वो, एक बंदे की कॉलेज लाइफ होती है, थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है बंदा। तो एफ सी में ये है कि आपके साथ माहौल भी है थोड़ा सा, और इंजॉयमेंट भी, और पढ़ाई भी बहुत स्ट्रिक्ट होगी अब। तो यार मगर एक बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि अरूज जस्टिन ये जिसका नाम ले रहे हैं वो अरूज जस्टिन डॉक्टर साहब एफसी के, उनसे बच के रहें भाई। मैं भी यही कहूंगा, एक चीफ डॉक्टर है एफसी कॉलेज के, मिस्टर अरूज जस्टिन, फाइन पे फाइन करते हैं, बड़े खतरनाक बंदे हैं, उनसे बच के रहें यार। तो उनके साथ जो दूसरे बंदे ना मिस्टर उमर चौधरी साहब, वो बड़े नाइस बंदे हैं, वो कभी कभी छोड़ देते हैं, लेकिन अरूज जस्टिन साहब नहीं छोड़ते। तो यार एफसी में बस फाइन ज्यादा है, और एट द एंड मैं इसी बात पे आता हूँ, हर बंदा यही कहेगा यार एंजॉयमेंट के लिए एफसी कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज एवर, एंजॉय भी होता है और स्टडी भी होती है। आपने अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप एफसी कॉलेज आएँ, अच्छा कॉलेज है, पढ़ाई भी थोड़ी बहुत हो जाती है। देखें यहाँ पे क्लासेस का इजी सीन है, आप जब मर्जी आएँ जब मर्जी जाएँ, बेशक 9 बजे आके क्लास ले लो कोई मसला नहीं, लेकिन आपको अपनी अटेंडेंस मेंटेन करनी होती है 75% पे सेंड अप से पहले। अगर आपकी अटेंडेंस 75% नहीं होती ना, तो उस पर आपको 18,000 फाइन है, वरना मेरी तरह 18,000 फाइन करना पड़ता। इसने 18,000 दिया है, वाह आपने नहीं दिया, मैंने भी नहीं दिया, क्यों? हमारी अटेंडेंस पूरी थी, हमने पूरी क्लासेस ली थी। इस पर भी कोशिश करें पूरी क्लासेस लेके सेंड अप तक 75 मेंटेन कर लें, सेंड अप के बाद बेशक आपकी अटेंडेंस नीचे ऊपर हो जाए वो कोई मसला नहीं, बट आपको 75% मेंटेन करनी है सेंड अप से पहले। तो क्लासेस का सीन भी हो गया भाई जान, बाकी उम्मीद करता हूँ मैं सारे पॉइंट्स डिस्कस करने में कामयाब हुआ हूँ आज की वीडियो में। बाकी एक पॉइंट रह गया कि हमारे कॉलेज में 2 सेशन होते हैं, एक मॉर्निंग सेशन एक आफ्टरनून सेशन। तो मैं यही कहूँगा कि यार यू शुड गो फॉर मॉर्निंग सेशन, बिकॉज आफ्टरनून सेशन में आपको अकेडमी रखनी पड़ती है, और वो आपके लिए मुश्किल होगा अकेडमी और आफ्टरनून सेशन मैनेज करना, क्योंकि आफ्टरनून सेशन मेरे ख्याल 12 से 5 होता है, और मॉर्निंग 8 से 12, 12:30 या 1-2 बजे तक हद क्लासेस जाती हैं, इससे ऊपर नहीं, और आफ्टरनून वालों की 5 बजे तक इवन क्लासेज हो रही होती हैं, तो इसलिए यार काफ़ी मुश्किल हो जाता है। टीचर सेम है, फैकल्टी सेम है, पढ़ाई भी सेम है, बाकी सारा सेम सीन है मॉर्निंग आफ्टरनून का, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा यू शुड गो फॉर मॉर्निंग सेशन। अब यार कुछ खा पीने जाके, और यहीं पे ये ब्लॉग को भी एंड करें भाई, पूरा आज कॉलेज दिखा दूँ खुद ही आप सब। तो यार अपना खाना शाना आ चुका है, अब खाना खा के घर को निकलें, टाइम सब चलें यार घर, बहुत लेट हो जाएंगे, जल्दी खाओ यार से छोटा टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा, अगर ब्लॉग पसंद आया तो भाई साथ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड डू शेयर योर वैल्यूएबल फीडबैक इन द कमेंट्स बिलो। आप लोग जो सजेशन दे सकते हैं अपनी कमेंट्स में दीजिए, और साथ मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछने मेरे कॉलेज के रिलेटेड और अपनी फरमाइशें आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यहीं पे यार ये व्लॉग को भी एंड करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, एकेडमी भी जाना है, और आप लोग से मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय यू ऑल।